नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे फोबियास पर। बहुत तरह तरह के फोबिया होते हैं, हमको उनको जानना बहुत ज़रूरी है। कई बार हमारे आसपास के लोगों में ये फोबिया हमको देखने को मिलते हैं, ये एंजाइटी की वजह से होते हैं। उन लोगों में कॉमनली आपको एंजाइटी भी दिखाई देगी जिन लोगों में फोबिया रहता है। फोबिया बहुत तरह के होते हैं, आज मैं कुछ विशेष तरह के फोबियास पर बात करूंगा। और फोबियास को जानना हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि जिन लोगों में फोबिया होता है उन लोगों में उस फोबिया की वजह से बहुत सारे और भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं, या हम ये कह सकते हैं उनको बहुत तरह के नुकसान होते हैं। वो सामाजिक नुकसान हो सकते हैं, वो आर्थिक नुकसान हो सकते हैं, वो संबंधों से संबंधित नुकसान हो सकते हैं। तो इसलिए हमको इस फोबिया को समझना ज़रूरी है। और कई बार लोग पहचान नहीं पाते हैं कि ये कोई प्रॉब्लम है, ये कोई मानसिक बीमारी है। तो आज हम फोबिया पर बात करेंगे। फोबिया, जिसको हिंदी में दुर्भीति भी कहते हैं, फोबिया के कारणों में अगर हम जाएं तो इनके मुख्य कारण में जेनेटिक्स हो सकते हैं, वंशानुगत हो सकता है। अगर माता पिता में किसी में एंजाइटी रही हो, या उनके पूर्वजों में किसी में एंजाइटी रही हो, माता पिता के भाइयों बहनों में या उनके बच्चों में, वो जेनेटिक्स वंशानुगत कई बार आते हैं चिंता के, और वो चिंता कई बार फोबिया डेवलप कर देती है। तो वंशानुगत कारण होने के साथ साथ कुछ ऐसी घटना जिसमें किसी ऐसी परिस्थिति में या किसी ऐसी स्थिति में जब अचानक से डर गया हो व्यक्ति, तो वो एक कंडीशनिंग उन फोबियाज के साथ में हो जाती है। फोबिया खासतौर पर मुख्य कारणों में कंडीशनिंग एक बहुत बड़ा कारण है। आज हम कंडीशनिंग पर भी बात करेंगे, कंडीशनिंग को भी समझेंगे कि फोबिया में कंडीशनिंग का क्या रोल है। और आज हम ये बात करेंगे कि फोबिया जो है कितने तरह का होता है, किन किन लोगों में ये हो सकता है, इसका इलाज क्या है, ये हम समझेंगे। फोबिया जैसे किसी वस्तु का, पर्टिकुलर किसी वस्तु चीज़ का डर भी हो सकता है। जैसे कुछ लोगों में फर वाली जो चीज़ें होती है उनको लेकर डर होता है, उनको उससे फियर होता है। ऐसी बहुत तरह की वस्तुएं होती हैं कलर को लेकर, खासतौर पर लोगों को कुछ तरह के पर्टिकुलर कलर पर या कुछ विशेष कलर से लोगों को फोबिया होता है। वस्तु के अलावा जानवरों में, जानवरों से डर होता है, वो भी जानवरों से संबंधित फोबिया होता है। किसी को छिपकली का डर है, किसी को कुत्ते का डर है। तो देखा जाए तो जो एक हमको एक अंतर भी समझना पड़ेगा कि कुत्ते का डर तो बहुत सारे लोगों को होता है, तो क्या सबको फोबिया है? नहीं, जब वो सामान्य से ज़्यादा होता है तब वो फोबिया है। मतलब ऐसे लोग आपको हमेशा उन चीज़ों को अवॉइड करते हुए दिखेंगे, या उसके प्रति बहुत ज़्यादा अत्यधिक उस जो रिस्पॉन्स उनका है वो अत्यधिक है, नॉर्मल से ज़्यादा आएगा, उनको घबराहट होने लगेगी, बेचैनी होने लगेगी, कुत्ते के डर से घर से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। मतलब इस तरह के आपको बहुत तरह के फोबिया आपको देखने को मिलेंगे, और बहुत तरह के ऐसे उससे जुड़े हुए बिहेवियर आपको देखने को मिलेंगे। तो जानवरों से संबंधित डर लोगों में होते हैं, और इसके अलावा परिस्थितियों से संबंधित डर। किसी पर्टिकुलर परिस्थिति में जब व्यक्ति डर गया तो वो डर उसके अंदर बैठ जाता है। अगर मान लो कभी किसी ऐसी स्थिति में व्यक्ति फंस गया कि वो निकलने में उसको दिक्कत हुई, भीड़ में वो फंस गया, या किसी बंद स्थान पर वो फंस गया, उसको निकल नहीं पाया उस समय, तो वो एक बंद स्थानों का डर, भीड़ में फंस जाने का डर लोगों में बहुत कॉमन देखने को मिलता है, ये भी फोबिया है। इसके अलावा सामाजिक फोबिया, जिसको हम सोशल फोबिया कहते हैं, सोशल फोबिया, लोगों को सोशल सिचुएशन से डर लगता है, स्टेज पर बोलने में डर लगता है, नए लोगों से बात करने में घबराहट होती है, या हमेशा अवॉइड करते हैं। तो ये सामाजिक फोबिया लोगों में, सोशल फोबिया बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। अब इसमें लक्षण हो सकते हैं कि उनको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, उनको पसीना पसीना हो जाते हैं कई बार जब भी वो उस परिस्थिति या जो वस्तु सामने आती है, जो स्थिति सामने आती है, उसमें वो इतना डर जाते हैं और हमेशा उसको अवॉइड करते हैं, उससे हमेशा बचना चाहते हैं। सांस लेने में दिक्कत होने के अलावा कभी ऐसा घबराहट, बेचैनी ऐसा होता है, उनको ऐसा लगता है ऐसे हार्ट अटैक आ जाएगा, इस तरह की फीलिंग भी लोगों में देखने को मिलती है। तो ये फोबिया के कुछ लक्षण हैं जिसकी वजह से आदमी वो परिस्थिति कभी भी नहीं चाहता और उन स्थितियों में कभी नहीं जाना चाहता, तो हमेशा अवॉइडेंस दिखाता है। तो अवॉइडेंस से उसका फोबिया जो है मैनेज हो जाता है, उसकी एंजाइटी मैनेज हो जाती है। अब मैनेज करने से
नुकसान क्या होता है। मान लो कभी उसको कोई प्रोफेशनल ऐसी सिचुएशन आई जिसमें वो उसको आज बोलना था, उसको कुछ अच्छा परफॉर्म करना था, लेकिन वो सोशल एंजाइटी की वजह से, सोशल फोबिया की वजह से उसने उसको अवॉइड कर दिया। तो वो एक अपॉर्चुनिटी जो उसके करियर के लिए बहुत अच्छी हो सकती थी, वो आगे नहीं बढ़ पाया। सोशल रिलेशनशिप बहुत अच्छी नेटवर्किंग नहीं कर पाता, लोगों से अच्छे संबंध स्थापित नहीं कर पाता, तो उसके व्यापार अगर लोगों से जुड़ा हुआ है, लोगों से संबंधों से जुड़ा हुआ है, तो उसमें उसको बहुत नुकसान होता है। कई बार हम अपना इन डर की वजह से आर्थिक नुकसान भी करते हैं, सामाजिक नुकसान भी करते हैं, और हम उन अपॉर्चुनिटीज़ को खो देते हैं। अब हम इसके इलाज की अगर हम बात करें, तो इलाज दो तरह से हम इलाज को समझ सकते हैं। एक तो दवाइयों के द्वारा इलाज इसका किया जाता है, दूसरा साइकोथेरेपीज़ के द्वारा। साइकोथेरेपीज़ कई बार जरूरी होती है, आवश्यक होती है। साइकोथेरेपी और ड्रग के कॉम्बिनेशन से अच्छे रिजल्ट आते हैं। साइकोथेरेपीज में हम उसके डर को निकालते हैं। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनको तरह तरह के फोबिया होते हैं, तो उनको सबसे पहले हम कुछ रिलैक्सेशन की एक्सरसाइज करवाते हैं, और फिर उसको जब वो थोड़ा सा रिलैक्स होता है, उसकी एंजाइटी कम होती है, तो उन परिस्थितियों से उसका डर निकालते हैं। उसके मनोवैज्ञानिक तरीके हैं, उसके लिए साइकोथेरेपीज होती हैं, तरह तरह की साइकोथेरेपीज होती हैं। इसमें दो तीन थेरेपीज मैं आपको बताऊँगा। CBT में बहुत इफेक्टिव है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। आप CBT के बारे में काफ़ी कुछ नेट से, इंटरनेट से या और अलग अलग माध्यमों से आप उसकी जानकारी निकाल सकते हैं। CBT के अंतर्गत आती है सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन। आप इसको भी पढ़ें, इसको भी समझें कि अपने डर को कैसे सिस्टमेटिक तरीके से निकाला जाता है। छोटे छोटे डरों को निकालते हैं, छोटे छोटे डरों से फिर हम बड़े डरों का सामना करते हैं, तो धीरे धीरे वो डर हमारा निकलता है। इसके अलावा एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन ERP, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। इसके बारे में भी आपको इंटरनेट पर काफ़ी कुछ जानकारी मिलेगी। ERP हम उस डर का उसको सामना करवाते हैं, तो उससे वो डर जो उसका रहता है धीरे धीरे कम होता है। तो ये कुछ मनोवैज्ञानिक तरीके होते हैं, इनको हम साइकोथेरेपी कहते हैं। इनके द्वारा सभी तरह के फोबियाज में बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छे रिजल्ट हैं और बहुत अच्छे परिणाम हैं। अब थेरेपीज खुद से अगर हम अपने फोबिया का इलाज करने की कोशिश करते हैं, तो कई बार ये फोबिया बढ़ सकते हैं, हमारी एंजाइटी और बढ़ सकती है, हमारे डर और बढ़ सकते हैं, और हमारा कॉन्फिडेंस और डाउन हो जाएगा। तो मैं बिल्कुल सलाह दूंगा कि आप खुद से बिल्कुल इन फोबियाज को ठीक करने की कोशिश ना करें। आप हमेशा किसी एक्सपर्ट की एडवाइस से, काउंसलिंग के द्वारा, थेरेपीज के द्वारा उन चीज़ों को दूर करने की कोशिश करें। उसके सिस्टमेटिक तरीके होते हैं, उसके मनोवैज्ञानिक तरीके होते हैं, उसके वैज्ञानिक तरीके होते हैं। उसी तरह से आपके डर को पूरी तरह से आप निकाल सकते हैं। और अगर किसी भी तरह का फोबिया आप अपने अंदर महसूस करते हैं, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप इंदौर से आसपास हैं, इंदौर में हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप मेरे क्लिनिक पर, मेरे सेंटर पर आ सकते हैं। अगर आप दूर हैं, तो आप मुझसे फ़ोन पर बात कर सकते हैं। हम साइकोथेरेपी ऑनलाइन भी करते हैं, वीडियो कॉलिंग पर और टेलीफोनिक तरीके से भी हम उन थेरेपीज़ को प्लान करते हैं, और उससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। तो आप उसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9300910036। थैंक यू।